आज का वीडियो है बारिश के बारे में। और आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि बारिश में हम सबको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब बारिश आती है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि गर्मी के बाद बारिश आती है तो बहुत ठंडक सी फील होती है, मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बारिश के साथ साथ बहुत सी बीमारियाँ भी साथ में आती हैं? तो इसके लिए आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हम लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए बारिश के मौसम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगी कि खान पान से ही हमारी सभी चीज़ें डिसाइड होती हैं, तो मौसम के अकॉर्डिंग हमारा खान पान बदल जाता है। और जब हम लोग वो खान पान नहीं बदलते हैं तभी वो बीमारियाँ हमारे ऊपर अटैक करती हैं। और सबसे पहले पेट से ही रिलेटेड बीमारियाँ हम लोगों को पकड़ती हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और जानिए कि बारिश में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि बारिश के मौसम में हम लोग क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो बारिश के मौसम में हम लोगों को हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों में नमी की वजह से कीड़े मकोड़े ज़्यादा हो जाते हैं और रोगाणु उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग को पत्तेदार सब्जियों से परहेज करना चाहिए, जैसे पालक है, मेथी है, इस टाइप की जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। और अगर आप ले भी आए हैं घर में पत्तेदार सब्जियाँ बनाने के लिए तो उनको बहुत बार धो कर ही यूज़ करें। और फ्रेंड्स, ये भी बताना चाहूँगी कि वैसे तो कच्चा सलाद खाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बरसात के मौसम में थोड़ा सा आप सलाद से दूर रहिए, क्योंकि कच्ची सब्जियों को शायद हम लोग उतने अच्छे से ना धो पाएँ और उसमें इतने महीन इतने छोटे कीटाणु होते हैं कि हम लोगों को वो ऐसे नहीं दिखते हैं और वो हम लोग के शरीर में जाके पेट में जाके इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सलाद से भी दूरी बना के रखिए। और फ्रेंड्स, सड़क के किनारे जो ओपन में स्टॉल लगे होते हैं तो बारिश के मौसम में थोड़ा सा आप परहेज करिए उन सब चीज़ों से, और उन सब चीज़ों से आप जितना फूल करेंगे उतनी आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और आपको जो पेट में बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हैजा हो जाता है, लूज मोशन हो रहे हैं, तो वो भी नहीं होंगे। और सी फूड से दूरी बना के रखें और अरबी और आलू का भी कम प्रयोग करें, ज़्यादा मसालेदार भोजन ना खाएं, क्योंकि बारिश में हम लोगों की जो पेट में खाना पचने की जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो बहुत कम हो जाती है उमस की वजह से। इसीलिए आप लोग अक्सर सुनते हैं कि उस बच्चे को वॉमिटिंग फील हो रही है या हम लोगों को खाना नहीं पच रहा है, पेट में भारी पंसा लग रहा है, तो वो सब इसी वजह से होता है और होता उल्टा है। गाइस, हम लोग को बारिश के मौसम में पकौड़े और तली हुई चीज़ें बहुत ही पसंद आती हैं, बट अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो तला हुआ और मसालेदार भोजन हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और बारिश के मौसम में चूँकि हम लोगों के खाना पचने की जो शक्ति होती है वो बहुत कम हो जाती है, तो आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा। कभी कभी खा सकते हैं, बट अगर आए दिन आप तले और चिकने मसाले का प्रयोग कर रहे हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और आप ये सोचेंगे कि अगर सब कुछ नहीं खाएंगे तो हम लोग खाएँ क्या, तो आप लोग कोशिश करिए कि ताज़ा पका हुआ घर का सिंपल खाना ही खाइए। और फलों में आप आलू बुखारा खा सकते हैं, हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, और केला भी खा सकते हैं, बारिश में जो हम लोगों के लूज मोशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है, उसमें भी हेल्प करता है केला, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। और पपीता भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप पपीता भी खा सकते हैं, पपीता भी अच्छा रहता है और बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। तो हम लोगों को कुछ ऐसे ही फलों का सेवन करना है जिससे हम लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़े, जैसे आप जामुन भी खा सकते हैं, जामुन इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है हम लोगों की, और डायबिटीज़ में भी फ़ायदा करता है। फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में नमी के कारण अक्सर हमारी बॉडी में रैशेज और खुजली की, दाँत खाज खुजली की भी समस्या हो जाती है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि नारियल के तेल में कपूर को पीस के रख लें, नारियल के तेल में मिक्स कर लें, और जहाँ जहाँ भी इफ़ेक्टेड एरिया है वहाँ पर आप उसे लगाएं, देखिए आपको बहुत आराम मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। और अगर मच्छर बहुत हैं आपके घर में तो आप मच्छरदानी का प्रयोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि मच्छरों से भी बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सब बारिश में
याद रखने वाली बातें हैं, केयर करने वाली बातें हैं जो आप सबको ध्यान रखना चाहिए। इनको हम लोग नॉर्मली सीरियस नहीं लेते हैं इन सब बातों को, लेकिन अगर हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं तो उसी छोटी छोटी बातों से वो बहुत बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको मच्छर से भी बचना होगा, और बारिश में मोस्टली कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग रास्ते में चलते हैं तो हम लोग की गाड़ी के आगे भी आँखों में आ जाते हैं कीड़े मकोड़े। आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है हर बात का, साफ सफाई का। ओके फ्रेंड्स, तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। ओके गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, आपकी अपनी मधु, रियल वन मधु ब्लॉगर।